प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बाड़मेर की घटना से संबंधित आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेवजह राजनीति कर रही है। राजस्थान में जो भी घटना होती है उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। जैसे बारा का सच सामने आया, इसी तरह यहाँ का भी सच सामने आ जाएगा। डोटासरा आज सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निवास स्थान पर संवेदनाएं प्रकट करने जाते समय भीलवाड़ा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। डोटासरा ने राज्य में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों के सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता है, अगर बात आई तो उसकी जानकारी मांगी जाएगी। यदि यह जानकारी दे देते हैं तो बात खत्म हो जाती है। गहलोत सरकार ने हमेशा पत्रकारों के हितों में कार्य किया है और पत्रकारों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी प्रदेश में नहीं होगी। डोटासरा ने नगर निकाय चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अच्छे ही कार्य कर रही है और भाजपा टुकड़ों में बटी है। देखिए, जो घटना घट जाती है उसके बाद में जो एक्शन है, आप देखिए एक्शन तुरंत होता है। आप 12 की बात आई, बच्चियों ने बयान दिए कोर्ट में जा करके कि हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी। आप देखना कल बाड़मेर की भी जो भी स्थिति आएगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर दोषी नहीं होगा तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ तो 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और 15 दिन के बाद में रात को जिस तरीके से हिंदू संस्कृति में सम्मान दिया जाता है सब को, वो ही नहीं दिया गया। तीसरा, उसकी माँ बिलख रही है, उसको आप डेड बॉडी से मिलने नहीं दे रहे हैं, फिर मीडिया को और जनप्रतिनिधियों को जाने नहीं दे रहे हैं। और कल आपने देखा होगा, परसों एक वीडियो वायरल हुआ है कि वहाँ पर दबंगों ने मीटिंग की है और उस दलित परिवार को चैलेंज किया है। ये चीज़ें राजस्थान में आप बताइए कहाँ हैं। राजस्थान में डूंगरपुर में घटना हुई, गुलाबचंद कटारिया जी कह रहे हैं कि मौजूदा कानून में उन बच्चों की मांग को स्वीकार कोई भी सरकार नहीं कर सकती, और मदन दिलावर जी वहाँ आग लगाने के लिए पहुँच जाते हैं और ये कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही। तो कुछ लोगों की फितरत में है ये। और भारतीय जनता पार्टी तो आग लगाने के लिए जानी जाती, आग बुझाने के लिए तो जानी नहीं जाती। कांग्रेस तो अच्छा ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है कि आपको कहीं टुकड़ों में बटी हुई है। जब सतीश पूनिया जी अपना विधानसभा में भाषण देते हैं तो वरिष्ठ नेता सुनते नहीं है, बाहर चले जाते हैं। वो जब ज्ञापन देते हैं महामहिम राज्यपाल को तो फिर सांसद एक दिव्या कुमारी जी दूसरी अपना ज्ञापन लेके जाती हैं। कटारिया जी कुछ कहते हैं, मदन दिलावर जी कुछ कहते हैं, राजेंद्र राठौड़ जी इन दोनों के ऊपर कुछ कहते हैं। वसुंधरा जी कहाँ हैं, दूसरे कहाँ हैं, कौन कौन मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, ये सब आप सबके सामने परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी का है। तो क्या मैं नहीं समझता कि वो जिस स्थिति में है वो चुनाव लड़ेंगे या आपस में लड़ेंगे, ये उनको पहले तय करना पड़ेगा। देखिए, स्कूल ड्रेस लोगों की जनभावना और अभिभावकों की बच्चों की ये था कि जो मौजूदा ड्रेस है उससे थोड़ा सा बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अभिभावक भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने निर्णय किया था कि हाँ स्कूल ड्रेस चेंज होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इसी दौरान कुछ अभिभावकों का ये भी आया कि इस कोरोना काल में हमारे लिए जो ड्रेस है वो सिलाना थोड़ा भारी रहेगा, तो इसके ऊपर अभी अंतिम फैसला नहीं किया है, पत्रावली मेरे पास में है। हम अभिभावक के ऊपर भार भी नहीं डालना चाहते और अभिभावक और बच्चों की मंशा के अनुरूप जो कमेटी का निर्णय उसकी पालना भी कराएंगे। तो दोनों चीज़ों को देख करके जब स्कूल खुलेंगी तो हम लोग इसके ऊपर सरकार निर्णय करेगी। कोई पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता है। अगर कोई बात आती है तो सरकार उससे जानकारी ले लेती है और वो जानकारी दे देता है तो बात खत्म हो जाती है। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में जितनी स्वतंत्र अच्छी परंपरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में होती है, आप देखिए जो पत्रकारों के कल्याण के लिए अगर कोई भी योजना आई है तो अशोक गहलोत जी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में आई है। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मीडिया के किसी भी भाई के साथ में किसी तरीके की नाइंसाफी राजस्थान में नहीं हो।